वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे निहारी बनाने की रेसिपी। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से हम निहारी बनाएंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनाएंगे। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम गोश्त लेंगे और इसे अच्छी तरह खुले पानी से धो लेंगे। तो गोश्त को मैंने अच्छी तरह धो लिया है और 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इसकी कटिंग कर ली है, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और कुछ मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इस निहारी को तैयार करेंगे। तो हम इसमें जो मसाले शामिल करेंगे, मसालों में हम इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, 1 खाने का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्चें, तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे, और इसमें नेशनल का दिली निहारी मसाला डालेंगे। तो ये मसाला हम इसलिए डाल रहे हैं कि अगर आप घर में जल्दी से निहारी बनाना चाहते हैं तो आपको आसानी हो, और इस मसाले से निहारी में बहुत ही टेस्ट आता है और बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार निहारी बनती है। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब हम एक खुला बर्तन लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे, और घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो जब तक प्याज ब्राउन होता है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियोज़। तो प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो जब प्याज ब्राउन होगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो प्याज को इस तरह से हलाते जाएंगे ताकि प्याज एक तरफ से जले ना। तो निहारी के साथ नाश्ता करना सभी को पसंद होता है, और अगर ईद वाले दिन निहारी बनाई जाए तो सभी आपकी तारीफ करते हैं। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और गोश्त को 2 से 3 मिनट के लिए इसमें भुनेंगे। गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई करने से इसमें एक ख़ास जो स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है, तो इसे इसमें फ्राई ज़रूर करना चाहिए ताकि इसमें गोश्त की स्मेल ना आए। तो मैं इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई करूँगी और फिर इसमें बाकी के मसाले शामिल करूँगी। तो निहारी बनाने के लिए हमने इसमें बड़े साइज़ की बोटियाँ रखी हैं, तो आप चाहें इसमें हड्डी भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और निहारी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो मैंने इसके लिए बोनलेस गोश्त लिया है। तो अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं और नेशनल का निहारी मसाला डालेंगे। इन सब मसालों को हम इसमें मिक्स करेंगे और इसे भी मसाले के साथ अच्छी तरह भुनेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो पानी डालने से मसाले अच्छी तरह पक जाएंगे। तो अब बहुत अच्छी तरह से हमारा मसाला फ्राई हो चुका है और गोश्त को भी हमने अच्छी तरह भून लिया है, तो मसाला हमारा अच्छी तरह पक चुका है। अब इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि गोश्त भी अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तो पानी में इसमें 2 जग डालूँगी जिससे गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा और बहुत ही टेस्टी सी हमारी निहारी बनेगी। तो इसमें पानी शामिल करते हैं। तो हम इसे प्रेशर कुकर में नहीं बनाएंगे, हम इसे इसी तरह स्लो गैस में पकाएंगे जिससे गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा और बहुत ही टेस्टी सी निहारी बनेगी। तो हम इसमें 2 जग पानी के डालेंगे जिससे गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी निहारी तैयार होगी। तो अब हम इसे कवर करके रखते हैं।
तो अब हम इसको कवर करके रखते हैं और इसे 2 घंटे के बाद चेक करेंगे, क्योंकि गोश्त को अच्छी तरह गला के अगर बनाया जाए तो निहारी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो मैं इसे स्लो गैस में पकाऊंगी। तो निहारी को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसमें फाइन आटा डालेंगे जिससे हम घर पे रोटी बनाते हैं। तो हम एक बॉल लेंगे और इसमें 3 खाने के चम्मच हम आटे के डालेंगे। तो आप चाहें तो इसमें गंदम का आटा भी डाल सकते हैं और बेसन भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें फाइन आटा डाला है जिससे घर में रोटी बनाते हैं। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो अब हम इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हम इसका पेस्ट बना लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब हम इसे निहारी में मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम इसका पतला सा पेस्ट बनाएंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें आटा डालेंगे और गैस को फुल कर देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस पे आटा मिक्स करेंगे और इसे हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो अच्छी तरह इसे मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इस पे डालते जाएंगे। और यहाँ पे हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाएंगे ताकि आटा कच्चा ना रहे और पक जाए और ये थिक हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे और गैस को फुल कर देंगे। तो गैस को हमने फुल कर दिया है, तो निहारी अब थिक होना शुरू हो गई है। तो जब निहारी ठंडी हो जाएगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बस हमने इसे इतना ही पकाना है। तो अब हम गैस को स्लो कर देंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और इसकी तरी ऊपर आए तो बहुत ही खूबसूरत लगती है निहारी। तो हम गैस को स्लो कर देते हैं और दम वाली गैस पे हम इसे रखेंगे तो बहुत ही टेस्टी हमारी निहारी तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल ऊपर आ गया है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी निहारी तैयार है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी निहारी कैसी बनी है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी निहारी तैयार है। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आप इसे लेमन के साथ, अदरक के साथ और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करें तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो बहुत ही टेस्टी हमारी निहारी बनी है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। तो आप इसे रोटी या नान के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।